हदीस सुनाने लगा हूँ, हदीस है, हदीस है रसूल है। जवान खास करके जरा मेरी बात पे तवज्जो करें, और बुजुर्ग खास कर तवज्जो करें जिन्होंने तरबियत करनी है। सुने, हुजूर की बारगाह में एक नौजवान आया है, ये संगमील है हदीस, इसको याद रखना। अर्ज की, हुजूर मैं सारे गुनाह छोड़ सकता हूँ, जिना नहीं छोड़ता। हुजूर मुझे जिना की इजाजत होनी चाहिए। मेरे हबीब ने थपकी दी, बिठा लिया। मैं कहता हूं हुजूर ने गुनागारों को मुआशरे से काटा नहीं, उनकी तरबियत फरमाई है, उनकी तरबियत फरमाई है, उनको करीब फरमाया। मेरे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इधर आ बैठ जा, बैठ गए। हुजूर ने फरमाया तू पसंद करता है तेरी मां के साथ कोई बदकारी करे? हुजूर नहीं। फरमाया तू पसंद करता है तेरी बेटी के साथ कोई बदकारी करे? या रसूलल्लाह मैं आंखें निकाल दूंगा। हुजूर ने फरमाया तू पसंद करता है तेरी बहन के साथ? हुजूर मैं काट डालूंगा वो हाथ जो मेरी बहन की तरफ उठेंगे। फरमाया तू पसंद करता है कि तेरी खाला फूफी ममानी की तरफ कोई ऐसी हरकत करे? हुजूर मैं काट के रख दूंगा उन लोगों को जो बात भी करेंगे। मेरे हबीब ने फरमाया अच्छा, जिसके साथ तू बदकारी की इजाजत मांग रहा है वो किसी की मां नहीं लगती, वो किसी की बहन नहीं लगती, और किसी की बेटी नहीं होगी? याद रखे मुल्ला जलालुद्दीन रूमी एक, इमाम गजाली दो, आला हजरत फाजले बरेलवी तीन, फरमाते हैं जो गंद के साथ दूसरे घर में ताड़ता है वो अपने घर की खैर मना ले, जो गंदी नजर दूसरों पे रखता है वो अपने घर की खैर मना ले। इसलिए कि जो जुर्म वो किसी के खाते में डालेगा वो सजा बन के उसके घर की तरफ लौटा दिया जाएगा, जो बदकारी वो किसी के खाते में डालेगा वो सजा बन के अल्लाह उसके घर की तरफ लौटा देगा। अगर अपने घर को पाक रखना चाहते हो तो दूसरों की तरफ पाक नजर रखनी शुरू कर दो। अगर चाहते हो कि तेरा घर बे, अजीब मामला है ना, बेटे को तो पसंद की शादी की इजाजत है तो बेटी को इजाजत क्यों नहीं? अगर तेरा बेटा पसंद की शादी करेगा तो याद रखना फिर जब किसी की बेटी ये लफ्ज बोलती है फिर इज्जतों के जनाजे निकलते हैं, फिर उरियानी फहाशी का जो है वो कलक लगता है माथे पर। फिर याद रखना चारों जानिब से रुसवाइयां तेरा नसीबा होती है। अगर तू बेटी को रोकना चाहता है तो बेटे का हाथ पकड़, अगर तू बेटी को साफ रखना चाहता है तो बेटे को शर्मो हया की चादर उड़ा, अगर तू बेटियों के किरदार की हिफाजत करना चाहता है तो पहले बेटे को पाबंद शरीयत बना।